हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग मजे कर रहे होंगे। ये जिंदा है, इसी का देखो, ये जिंदा है। हाँ भाई, हाँ मैं जिंदा हूँ और थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं, इतनी जल्दी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ इसलिए। ना फिकर, ना शर्म, ना लिहाज। छोड़ो भाई लोग, ये सब बातें अभी बाद में करते और आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, यानी कि हमारी चीटर नंबर वन टीम ऑस्ट्रेलिया पे, जिसको हम ऐसे मस्त मसाला बिसाला लगा के रोस्ट करने वाले। तो आज का वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज के वीडियो में आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो भाई साहब क्रिकेट में काफी तगड़ी टीम है, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन साथ ही में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम गली का वो बच्चा है जो पहली बॉल पे आउट होने के बाद बोलता है कि नहीं, ये तो ट्रायल बॉल था। ऑस्ट्रेलियन टीम गली का वो मादरचोद बच्चा है जो आउट होने के बाद, मैं नहीं खेल रहा, मेरा बैट है, मैं जा रहा हूँ घर, ये बोल के भाग जाता है। नहीं यार, मतलब हारने पे आ गई तो ये टीम पूरी रोतड़ो बन जाती है। अभी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज हुई, जहाँ पे इन लोगों को लगा कि ये इंडियन टीम नहीं, पाकिस्तानी टीम है, जिनको हम डरा के स्लेजिंग करके चीटिंग करके हरा देंगे, इनकी हिम्मत हम तोड़ देंगे। लेकिन ये लोग कहाँ जानते कि हम कुत्तों की तरह भौंकते नहीं है, बल्कि करके दिखाते। और ऐसा करके दिखाया कि इंडिया को आग दिखाने वाले ऑस्ट्रेलियन कोच को भी ये बोलना पड़ जाता है। Well, first, you can never take anything for granted. Second, never, ever, ever underestimate the Indians. I mean, there's 1.5 billion Indians. If you play in that first 11, you're going to be really tough, don't you? यार, ये ऑस्ट्रेलिया वाले नहीं जानते, ये नया इंडिया है, घर में घुसेगा भी, मारेगा भी, और ट्रॉफी और लड़की ले जाएगा वो अलग। इसलिए भाई साहब, इंडिया को चैलेंज करने की कोशिश मत करना। मुझे अभी भी याद है कि 5-6 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के किसी एक महान लंड पुरुष ने चैलेंज करते हुए ये कहा था। वैसे इसका जवाब तो अश्विन ने वहीं पे दे दिया था, लेकिन हमारे स्पाइडरमैन और सिराज भाई ने इसके जवाब के बदले में इनकी गाबा में जो डंडा दिया था ना, बोले तो बिल्कुल मजा आ गया। गाबा में डंडा दिए, हमारी गाबा में डंडा दिए, ना कोहली ना बुमराह ना जड्डू, फिर भी गाबा में डंडा दिए। और दोस्तों, इस सीरीज में हमने सिर्फ इनके गाबा में डंडा नहीं दिया, बल्कि हर बात का सूट समेत बदला भी लिया है। मुझ पे आती तो मैं छोड़ देता हूँ, मेरे भाई पे आती तो मैं फोड़ देता हूँ। अब दोस्तों, मैं आपको इंडियन क्रिकेटर्स और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स में डिफरेंस बताता हूँ। हमारे इंडियन प्लेयर्स क्रिकेट ग्राउंड पर नेशनल एंथम को सुनते टाइम इमोशनल हो जाते हैं, खुद को प्राउड फील करते हैं कि उनको इंडिया की तरफ से खेलने का मौका मिला। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर उनके नेशनल एंथम के टाइम पे क्या करते वो दिखा देता हूँ। ये क्या हो रहा है? नहीं मतलब यार, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट तो छोड़ो, ये लोग लिटरली एक दूसरे की गांड में उंगली कर रहे हैं। और उंगली करने वाले जनाब है उस्मान ख्वाजा, और जिनके अंदर उंगली हो रही है वो है एडम झंपा। और भाई साहब, खबर ऐसी भी आई है कि इस इंसिडेंट के बाद मार्कस टोनिस ने उस्मान ख्वाजा की जमकर पिटाई की थी। नहीं मतलब भाई लोग, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट खिलाड़ियों के दूसरे टीम के खिलाड़ियों से संबंध भले ही कितने भी खराब क्यों ना हो, लेकिन इनके टीम के प्लेयरों के आपस के संबंध काफी गहरे हैं और मीठे मीठे हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़।
yeah boy. वैसे दोस्तों ये जो हरकत हुई है ना उससे मुझे ये नहीं लगता कि कोई ऑस्ट्रेलिया का बंदा ऐसी हरकत कर सकता है। भले ही उनके प्लेयर कितने भी गिरे हुए चीटर घमंडी और भौंकने वाले क्यों ना हो लेकिन गांड में उंगली करना ऐसी हरकतें वो नहीं कर सकते। ऐसी हरकतें तो भाई साहब सिर्फ पाकिस्तान में होती है। रुको लेट मी चेक कि ये उस्मान ख्वाजा है कहाँ से। भाई साहब तभी मैं सोचूं कि उस्मान ख्वाजा जी को ये सब करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिल रही है। अब दोस्तों आते हैं ऑस्ट्रेलियन क्राउड पे जो ग्राउंड में भाई साहब हमारे प्लेयर्स को रेसिस्ट कमेंट कर रहे थे, उनको गालियां दे रहे थे। नहीं यार इनको कोई बताओ यार, गाली देने के मामले में ये अभी बच्चे हैं। वो तो खैर मनाओ के ग्राउंड पे मोहम्मद सिराज थे जो दिल के अच्छे और पलट के जवाब नहीं दिया, वरना हमारे यहाँ बचपन में ही गालियों की PhD कर डालते हैं। सिराज की जगह कोई हमारी गली का बच्चा होता ना तो स्लेजिंग करने वाले उन ऑडियंस को ऐसी ऐसी इनोवेटिव और क्रिएटिव गालियां फेंक के मारता ना कि वो उनके शरीर के आर पार चली जाती। वैसे ऑस्ट्रेलिया की ऑडियंस का भाई साहब उनका कुछ अलग ही चुतिया पर चलता रहता है। वो लोग चुपचाप मैच देखने के बजाय बाकी सब करेंगे। अब इन मोहतरमा को ही देख लो, मैच देखना छोड़ के ये कौन सा ज्ञान बांट रही है। नहीं यार छोड़ो इनका चुतियापा, बात करते हैं हमारे प्लेयरों की। बंदों ने क्या गेम खेला है भाई साहब, क्या जज्बा दिखाया है। नहीं मतलब आधे से ज्यादा प्लेयर इंजर्ड, 36 बॉल पे ऑल आउट, मेन खिलाड़ी मैच से बाहर और सामने थे बड़े नाम और एक्सपीरियंस खिलाड़ी, ऊपर से स्लेजिंग और चीटिंग, इन सब पे मात करते हुए हमारे यंगस्टर ने काफी कमाल का खेल दिखाया है और लोगों को नया लेसन दिया कि सामने कोई भी क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किल सिचुएशन क्यों ना हो, अगर दिल से खेले तो कंगारुओं को भी कुत्ता बना के पेला जा सकता है। वैसे बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और चाहिए तो गालियां भी दे देना यार वीडियो लेट डालने के लिए, लेकिन कमेंट जरूर करना। मैं आपसे जरूर रेगुलर वीडियोस डालूंगा। तो भाई साहब चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ वो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जरूर दबाना, उससे आप मेरी एक भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। सो दिस सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू ऑल माय सिंगल फ्रेंड्स आउट देयर, मेरे सभी सिंगल दोस्तों के लिए। दिस वन्स फॉर यू। एक पल का जीना फिर तो है जाना, गर्लफ्रेंड क्या बनेगी तेरी बस तू ही लाना, खाली हाथ आया था तू खाली हाथ जाएगा, बस टिंडर पे राइट स्वाइप कर जाएगा, तो पॉर्नहब की दुनिया में तेरा ठिकाना। निकल चल निकल, निकल।